और कभी भागलपुर जेल भेजते हैं, कभी पूर्णिया भेजते हैं, कभी दरभंगा भेजते हैं। अरे इतने सारे लोग हैं, आनंद मोहन जी अकेले नहीं हैं। सिंह गर्जना रैली होने वाला है महाराणा प्रताप पुण्यतिथि के पखवाड़े पे, सिंह गर्जना रैली। आप गलत कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके आप कानून में संशोधन सिर्फ उनके लिए ला रहे हैं, उनको निकलने नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि परिहार नहीं होता है, तो परिहार कैसे मिलो हमारे समर्थक को, हमारे लोगों को। इनका चेहरा बेनकाब हो गया है, ये नहीं चाहते हैं कि आनंद मोहन जी जेल से बाहर आए, यही इनकी मंशा है, और वो सदन में बेनकाब हो गई है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अन्याय है, इसके खिलाफ में हम लोग जो संघर्ष करते रहे हैं करते रहेंगे। हमारा परिवार स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है, हम अंग्रेज के सामने भी नहीं झुके। आप लोग तमाम लोग जान ही रहे हैं कि मेरे दादाजी आनंद मोहन जी के दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन आज स्वतंत्रता सेनानी परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। आप गलत कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके आप कानून में संशोधन सिर्फ उनके लिए ला रहे हैं, उनको निकलने नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि परिहार नहीं होता है, तो परिहार कैसे मिला। सवाल इस तरह से उनको अपमानित जिल्लत किया गया और उनको सेल में डाल दिया गया, सेल में डाला गया, 7-8 दिन तक वो अनशन पर रहे। ये बार बार आप प्रताड़ित कर रहे हैं, जब चुनाव आता है आप उनको जेल ट्रांसफर करते हैं, यहाँ भेजते हैं, वहाँ भेजते हैं, और कभी भागलपुर जेल भेजते हैं, कभी पूर्णिया भेजते हैं, कभी दरभंगा भेजते हैं। अरे इतने सारे लोग हैं, आनंद मोहन जी अकेले नहीं हैं। हम यहाँ पर बहुत दर्द भरी बात को बोल रहे हैं, दर्द से बोल रहे हैं कि सबको साथ दीजिए। अभी 5 लाख लोग का हम कर रहे हैं, महाराणा प्रताप जी का जो पुण्यतिथि समारोह है 29 जनवरी को मिलन हाई स्कूल में, उसमें हम लोग 5 लाख लोग को पूरे देश से बुला रहे हैं, गांव गांव जाएंगे, बिहार के गांव गांव जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, और इनको बेनकाब करेंगे कि आनंद मोहन जी को बंद नहीं किया है, बल्कि बंदी बना के रखा है सरकार ने। आनंद मोहन जी को बंदी बना के रखा है, जो पुराने समय में होता था, जो प्रभावशाली राजा होते थे उनको छल प्रपंच धोखा से लोग छल से अंदर कर देता था और उसके बाद उसे बंदी बनाता था। आज नीतीश जी आनंद मोहन जी को बंदी बना के रखेंगे, हमारे लोग, हमारे समर्थक, हमारे शुभचिंतक इसे माफ नहीं करेगी। और सब लोग से हम आप लोग के माध्यम से भी कहते हैं कि आइए इस समय में आप लोग साथ दीजिए। जब संघर्ष लिखा गया, न जीवन किसी का है, न जीवन हमेशा से रहा है, लेकिन काला अध्याय और काला अक्षर से सरकार का काले कारनामे को लिखा जाएगा इतिहास के पन्ने पर, और आप लोग और बिहार की जनता और देश की जनता गवाह हो। आप मेरे पति को छीने, अरे वो दोषी रहते तो सूली फांसी पर चढ़ जाते, कोई तो ये नहीं रहता। आप वो निर्दोष हैं, आप धरना पर क्यों बैठे थे, आप क्यों कहते कि हमारी सरकार बनेगी तो हम न्याय दिलेंगे, क्यों नहीं आप CBI जांच कराए। आप दो परिवार को छल रहे हैं, आप DM की जो पत्नी है उनको भी न्याय नहीं मिला, उसके पति के हुआ तब भी आपने न्याय नहीं दिला। सिंह गर्जना रैली होने वाला है महाराणा प्रताप पुण्यतिथि के पखवाड़े पे। हाँ, ये पटना में, क्या नाम बताए, मिलर हाई स्कूल। हाँ, सिंह गर्जना रैली 29 तारीख को जी हाँ, इसमें पूरे भारत के लोग यहाँ पर आने का काम कर रहे हैं। हाँ, फ्रेंड्स ऑफ आनंद ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या मैसेज, क्या हम लोग आनंद मोहन जी को निकालना चाह रहे हैं, उनका सजा पूरा हो चुका है। हाँ, और जिस तरीके से आज की मौजूदा सरकार खुद को सर्वोपरि मानती है, एक एक मतलब हमारे ही प्रश्न पे मतलब मंत्री महोदय ने बोला कि ये सदन सर्वोपरि है। मैं ये बताना चाहता हूँ, सदन सर्वोपरि नहीं होता है, कोर्ट जो होता है वो सर्वोपरि होता है।